जी हाँ, पिछले 15 सालों से लगातार आपकी सेवा में रॉयल एसीपी वर्क, बिल्डिंग, ऑफिस, शोरूम एसीपी, सीलिंग एवं घर की सुंदरता के लिए कराएं एसीपी वर्क, वो भी 10 साल की वारंटी के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रोप्राइटर हातिम परदेशी। हमारा पता, रॉयल एसीपी वर्क, इंदौर रोड, पदम नगर थाने के सामने, रिलायंस मॉल के पीछे, मुफद्दल पार्क, खंडवा। मोबाइल नंबर 9009715952 और 9039515268। आप लोग क्या हुआ था? सत्ता वो। अच्छा, क्या हुआ था पूरा बताओ। हम बैठे थे वहाँ दुकान के पास चौक में, वो आया और मोबाइल पे बातें करने लगा और उसके पास कट्टा था। उसके पास था कट्टा? हाँ, और उसने बोला कि ये मेरे पास कट्टा है, ऐसा चलता है। उसने निकाला और डब्बी निकाली, उसमें भेजा और हमारे पेरोन में फाइल। क्या वजह थी उसकी? कुछ भी नहीं, पहले कोई झगड़ा झगड़ा था क्या? नहीं, कुछ नहीं। ऐसा तुम मार दे रहा चला? क्या मालूम, चला के बताया, क्या मालूम कैसा क्या। फिर क्या हुआ? फिर हमने 100 नंबर लगाए। 100 नंबर आई थी वहाँ? जी सर। फिर कहाँ ले गए थे आपको? वो 100 नंबर आ गई थी, फिर हम वहाँ ट्रेन चले गए नर्मदा नगर। नर्मदा नगर से फिर उनने यहाँ पुनासा भेज दिया अस्पताल में। वहाँ पे कितनी देर भर्ती रहे आप लोग? वहाँ भर्ती नहीं रहे, हमने पट्टी कर दिया बस, वहाँ से फिर निकल कर दिया। हाँ, कौन था वो कट्टा चला रहे वाला? कौन था? आदिवासी राठिया था, कुंवर से। कहाँ का रहने वाला है? वही रहता था, उधर गाँव का ही। हाँ, टप्पर में। मतलब वो नया लेके आया था कि पुराना था? क्या था? पुराना। उनको दिखाने लाया था? हाँ, क्या बता दो। दिखाने लाया था, क्या मानो। क्या नाम है तुम्हारा? शंकर पटेल। कहाँ के निवासी? सत्तापुर। मतलब क्या हुआ था, थोड़ा जोर से बताओ, क्या हुआ, कहाँ के रहने वाले? हम पीपल के नीचे बैठे थे सर, दुकान के पास वही बैठा था, शराब पिया हुआ था। उसके बाद देखा तो कट्टा था, निकाल के उन्हें हमारे सामने फेंक दिया। तो ये क्या है चीज है, बंदूक है, बंदूक है, उसमें उठाए, उसमें उसने पत्थर डाले और पैरों में चला दिया, दोनों को मार दिया। हाँ, दो चार जना बैठे थे, तो हमको दो को चोट आई, बाकियों को तुमने जमीन पे चलाया था, तुमको मारा हमने जमीन पे चलाया। क्या वजह थी उसकी? अब ये कोई जानी, हम तो जानते पहचानते नहीं, थोड़ी जान पहचान वो राठिया है, कुंवर सिंह नाम बोलता है, मुझे रहने वाला है। मतलब मैं बंदूक आया था, आपको दिखा रहा था कि मेरे पास बंदूक है। हाँ, वो फॉरेस्टिंग में रहता है, झोपड़ी बनी हुई है इसकी। मैंने तो झगड़ा वगड़ा तो नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं, हम तो जानते नहीं, आप पहचानने लगे। कहाँ का लगे आपको? फिर भी लगा। फिर क्या हुआ आपको बंदूक चलाने के बाद? बंदूक पैर में लगने के बाद में खून निकलना चालू हुआ, खून निकलने के बाद पैर पर दबाया, खून बंद करा, फिर वो भाग गया। फिर 100 नंबर गाड़ी पे लगा के। 100 नंबर क्या कर दिया आपको? 100 नंबर नहीं, तो उसके पहले हमको बोले तुम जेल पे चले जाओ। कहाँ पे चले गए? ट्रेन पे। हाँ सर, थाने को, मतलब थाने पे चले गए, नर्मदा नगर में। नर्मदा नगर पे वहाँ पहुँचे तो बोले कि तुम पहले अस्पताल जाओ, वापसी आए, फिर आपको इलाज उलाज करवाया, फिर वहाँ से सर लोग गाड़ी लेके चले गए। 100 नंबर भी आ गए, ये सब भी आ गए, छानबीन की। सदा सिंह।